हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लता ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मेरे पास कई क्वेश्चंस आए हुए थे लोगों के, तो आज भी ये वीडियो में उनके आंसर के रूप में दे रही हूँ। दोस्तों, हम महिलाओं की एक प्रॉब्लम होती है ना कि जब जैसे डेट आती है तो कई बार तो क्या होता है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, और कई बार क्या होता है ना कि डेट पहले आ जाती है बहुत, या बहुत बाद में आती है। मतलब हमारे पीरियड्स की डेट कई बार जल्दी आ जाती है और कई बार लेट हो जाता है, और हमें पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर इस तरह से हमें होता है तो क्यों होता है, और अगर होता है तो हम उसके लिए क्या ऐसा यूज कर सकते हैं कि जिससे कि वो डेट हमारी अगर डिले हो रही है तो हमें आ जाए। तो इसके लिए दोस्तों मैं कुछ आपको घरेलू टिप्स बताऊंगी जो कि आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करेंगे बल्कि फ़ायदा ज़रूर करेंगे। और दोस्तों, मैं ऐसी कोई चीज़ आपको बताती भी नहीं जिससे कि आपको किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट हो या नुकसान हो। और जनरली ये चीज़ें मैंने खुद भी कभी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी है तो मैंने यूज़ की होती हैं, तभी मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, होता क्या है ना कि जैसे पीरियड्स आने की जो हमारी डेट होती है, तो सबसे पहली अच्छी हैबिट ही होती है कि आपको जब भी डेट आए आप हमेशा उसे कैलेंडर में मार्क कर दें। उस मंथ की डेट आप मार्क कर दें। घर में कोई भी है, महिला है, लड़की है, जो भी है, और आप अपने बच्चों की बताएं, अगर आप माँ हैं और आपकी बेटियां हैं तो उनको भी बताएं कि आपको जब भी डेट आती है तो आप कैलेंडर, सबके घर में होता है, हम दूध का, पेपर का हिसाब रखने के लिए रखते हैं, तमाम चीज़ों के लिए टिक करना होता है ना कि याद बना रहे, उसी तरह से आप इसको भी डेट आप कैलेंडर में सर्कल कर दो तो आपको याद रहेगा पहली चीज़। क्योंकि कई बार लोगों को यही नहीं पता रहता कि पिछली बार कब आई थी, शायद इस तारीख को, शायद उस तारीख को, तो इससे नहीं होता। आप हमेशा, क्योंकि ये भी बॉडी की आपकी एक साइकिल है जो आपको पता होनी चाहिए। और दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, और जब आप पूरा देखोगे ना तभी चीज़ें आपको अच्छे समझ आएंगी। और पूरा सुनना, क्योंकि आधा सुना ज्ञान फिर वो नुकसानदायक हो जाता है कई बार। तो दोस्तों, आप पहली हैबिट कि आपकी जब भी डेट आती है कैलेंडर मार्क कर दीजिए। अब दोस्तों, होता क्या है ना कि कई बार हमें डेट जल्दी आ जाती है, तो क्यों आ जाती है जल्दी? तो इसके कई कारण होते हैं दोस्तों। जैसे आपको, आपकी जो डेट है, मान लो कि आपकी डेट 10 तारीख है, तो हो सकता है आपको 1 को आ जाए, 2 को आ जाए, कई बार हफ्ते और या 10 दिन पहले भी आ जाती है। और 2-3 दिन पहले आना तो नॉर्मल होता है, वो साइकिल का एक रूटीन होता है, वो तो आती है। अगर 8-10 दिन पहले, हफ्ते भर पहले आ जाती है तो इसका क्या कारण होता है? दोस्तों, क्या होता है ना, कई बार हमारा खान पीन ऐसा हो जाता है, या हमने ज़्यादा गर्म चीज़ें खा ली उसकी वजह से हो जाता है, या हम बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं किसी वजह से, तब भी ऐसा होता है हमारे साथ, या फिर हमें किसी चीज़ के लिए काम वगैरह, जैसे घर में त्यौहार है, फंक्शन है, कुछ है, तो अचानक से ज़्यादा काम पड़ जाते हैं या ज़्यादा मेहनत हो जाती है, तब भी हम महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि हमें डेट अपने टाइम से पहले आ जाती है। तो दोस्तों, अगर पहले आ जाती है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, नॉर्मल है पहले आना। मतलब अगर कभी कभार ऐसा होता है, अगर हमेशा ऐसा होता है कि आपको 10-15 दिन पहले आ जाती है, तब इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन अगर कभी कभार ऐसा होता है कि जल्दी आ गई तो एक नॉर्मल बात है, और 2-3 दिन पहले आना ये हमारी साइकिल का एक रूटीन है, वो अच्छा माना जाता है। आपकी डेट से 2-3 दिन पहले डेट आना वो बहुत अच्छा बॉडी का रूटीन है आपका, इसका मतलब, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया कि हमें डेट कई बार पहले क्यों आ जाती है। अब दोस्तों, होता क्या है ना कि कई बार हमें डेट डिले होती है, तो डिले क्यों होती है, मतलब देर हो जाती है। जैसे हमें मान लो 10 तारीख को आती है, अब 10 को आती है तो 10 के पहले मतलब 7 तक हमें आ जानी चाहिए, लेकिन 7 तक नहीं आई, 15 पहुंच रही है, तो 15 तक भी नहीं आई, तो क्यों नहीं आती? तो दोस्तों, इसके लिए होता क्या है ना कि जैसे पहले तो अगर आप महिला हैं तो आप अपनी प्रेगनेंसी चेक कर लें दोस्तों, क्योंकि कई बार अगर प्रेगनेंसी होगी तो आएगी नहीं डेट, और आती भी है अगर हल्की फुल्की, अगर किसी को ब्लीडिंग होती भी है तो वो नॉर्मल होती है और वो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप महिला हैं या लड़की हैं और आपको डिले हो रही है तो क्यों हो रही है? तो दोस्तों, कई बार अगर ये आपको कभी कभी होता है, कभी कभार हो गया, तो ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आपको ये हमेशा होता है तब भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में, इसका मतलब आपकी बॉडी का रूटीन सही नहीं चल रहा। तो अगर क्यों आती है तो उसका यही कारण होता है दोस्तों, कि अगर हमेशा होता है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कोई इंटरनल
दिक्कतें हो रही हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। और अगर नॉर्मल होता है, आपने प्रेगनेंसी चेक कर ली, आपको प्रेगनेंसी भी नहीं है, नॉर्मल हमें डिले हो जाता है कई बार, तो उसमें आपको कभी कभार अगर होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आपको इस तरह से हो जाता है तो आप क्या करें जिससे कि आपको आपकी डेट आ जाए। तो दोस्तों, इसका बहुत आसान सा घरेलू इलाज है कि अगर आपकी डेट डिले होती है तो आप बादाम, सबके घर में होते हैं, ना हो तो आप बाज़ार से ले आइए। जैसे आपको रात में कम से कम 8-10 बादाम आराम से खा जाइए, मूंगफली जैसे होते हैं, खाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छे लगते हैं। आप रात में सोते समय 8-10 बादाम खा जाइए। तो अगर नॉर्मल कारणों से आपकी डेट रुकी हुई थी, आपको पीरियड नहीं आ रहा था, तो आपको आ जाएगा, क्योंकि हमें बॉडी में गर्माहट की ज़रूरत होती है और बादाम गर्म होता है, तो आपको आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक दिन खाने से नहीं आती तो 2 दिन खा लो, 1-2 दिन लगातार आप बादाम खा लो और आपको आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको बादाम नहीं खाने या नहीं है या किसी कारणवश आप बादाम नहीं खा पाए तो आप क्या कर सकती हैं, तो दोस्तों जो कॉफ़ी होती है ना, ये भी हमारी बहुत हार्ड होती है, गर्म होती है, और इसीलिए प्रेगनेंसी में बोला जाता है स्पेशली कि आप कॉफ़ी मत पीजिए। और कॉफ़ी को क्या करना है, आपको दिन में 2-3 बार पी लीजिए आप हार्ड कॉफ़ी बना के, जैसे सुबह पी ली, दोपहर में पी ली और रात में एक बार पी लो, और रात में जो पियो ना थोड़ी ज़्यादा हार्ड कॉफ़ी पी लो। आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता इसका, ये कॉफ़ी नॉर्मल हम ऐसे ही पीते हैं, बस थोड़ी हार्ड पीनी है आपको, आप कॉफ़ी पी लो और उससे भी आपकी डेट आ जाती है दोस्तों, तो आपको आ जाएगी। एक दिन में नहीं आती तो आप 2 दिन पी लीजिए। अगर नॉर्मल कारणों से आपकी डेट लेट हो रही है या आपका पीरियड लेट हो रहा है तो आपको आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कहीं ऐसी जगह में हैं जहाँ की आपको कॉफ़ी अवेलेबल नहीं है या बादाम नहीं है तो आप क्या करें, तो दोस्तों एक देसी तरीका है, सिरका जो होता है हमारा, जिसका हम सिरके का अचार खाते हैं ना, गाँव वगैरह में होता है ये, तो आप क्या करिए कि जो सिरका होता है ना उसको आधा कप लीजिए, सिरका सिरका अचार का सिरका निकाल लीजिए चम्मच से और आधा कप ले लीजिए, और उसको सिप कर करके कब पीना है आपको, रात में पीना है, मतलब पी के सोना है आपको, तो आप इसको भी पी के सो सकती हैं। और हालांकि खट्टा होता है, सिरका है तो खट्टा तो होगा ही, लेकिन जो अचार का होता है थोड़ा कम खट्टा होता है, क्योंकि मसाले वगैरह नमक वगैरह मिक्स होता है सब, तो पीने में तो अच्छा लगता है, बट थोड़ा थोड़ा करके आप पी जाइए, क्योंकि अब इलाज की बात है, हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। और कई बार क्या होता है ना कि जो लड़कियां होती हैं तो उन्हें कहने में भी शर्म आती है, लोग शर्माते हैं, नहीं बता पाते खुल के, तो आप इसको कर सकती हैं। इससे आपको, अगर नॉर्मल कारणों से आपकी डेट रुकी हुई है या डिले हो रही है, नहीं आ रही, तो आपको आ जाएगी। तो ये हो गया, डेट डिले होने में हम क्या करें जिससे कि हमारी डेट आ जाए। अब दोस्तों, कई बार क्या होता है ना कि हमें ब्लीडिंग, जैसे किसी किसी को डेट आती है तो ब्लीडिंग बहुत कम होती है, तो उसके लिए क्या है कि क्या ऐसा करें जिससे हमारी ब्लीडिंग सफिशियंट या पर्याप्त जितनी होनी चाहिए उतनी हो जाए। तो दोस्तों, उसके लिए भी आप यही कर सकते हो। एक तो आप कॉफ़ी पी सकते हो, हार्ड कॉफ़ी थोड़ी बना के पी लीजिए जिस टाइम आपकी डेट चल रही है, तो उससे भी आपकी ब्लीडिंग अच्छे से हो जाती है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा, जब आपको अगर ब्लीडिंग कम होती है तो उस टाइम जैसे क्या होता है ना कि आप जैसे दूध वगैरह, जूस वगैरह, इस तरह की लिक्विड की चीज़ें आप थोड़ा ज़्यादा पीजिए, पानी आप थोड़ा ज़्यादा पीजिए। तो जब आप लिक्विड ज़्यादा लेंगे, जैसे जूस हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, तो उससे आपकी ब्लीडिंग भी तेज़ होती है। तो अगर आपको ब्लीडिंग कम होती है तो आप ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा लेना शुरू कर दीजिए पीरियड टाइम, तो आपकी ब्लीडिंग अच्छी हो जाएगी, मतलब जितनी होनी चाहिए नॉर्मल उतना हो जाएगा। और दोस्तों, किसी किसी को क्या होता है ना कि जैसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो वो लोग बोलते हैं कि हम क्या करें कि जिससे इतनी ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा ब्लीडिंग होने में भी दिक्कत होती है, और ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो कई बार वीकनेस भी आ जाती है। तो इसके लिए क्या करना है, जिन लोगों को ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो वो क्या करें कि जैसे दूध है, मिल्क प्रोडक्ट आप अवॉइड करिए, उस टाइम आप मिल्क प्रोडक्ट्स मत लीजिए, दूध दही इस तरह की चीज़ें, और जूस है ये, मतलब आपको लिक्विड कम लेना है, जिनकी ब्लीडिंग कम होती है उनको लिक्विड ज़्यादा लेना है, और जिनको ज़्यादा होती है उनको ये चीज़ें कम लेनी है, जिससे कि आपको ब्लीडिंग कम होगी। कॉफ़ी वगैरह मत लीजिए, ज़्यादा गर्म चीज़ें मत खाइए उस टाइम, क्योंकि ये गर्म चीज़ें हमारी बॉडी को
मतलब गर्म करती है अंदर से, तो उससे ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, अच्छी तरह से होती है। पर जिसे बहुत ज़्यादा होती है तो वो इन चीज़ों को अवॉइड करें, गर्म चीज़ों को, ज़्यादा लिक्विड है जैसे जूस है, दूध है, इन चीज़ों को आप अवॉइड करोगे तो आपको इस तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आपको जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको करके देखना, आपको 100% फ़ायदा होगा, और इन चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये सारे घरेलू इलाज हैं, फ़ायदा करेंगे आपको। अगर फ़ायदा नहीं करते, अगर आपको फिर भी नहीं आती है दोस्तों, तो फिर आप अपनी नियरेस्ट जो भी आपके डॉक्टर हो, लेडी डॉक्टर, आप उसको दिखा लीजिए, कंसल्ट कर लीजिए, हो सकता है कोई और कारण हो। तो अगर इस सब चीज़ों से नहीं होता तब, वैसे तो अगर नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। थैंक यू।